हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआरकेज एजुकेशन। तो आज का अपना टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा, सो दिस विल बी लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट लेक्चर होगा, तो इसके अंदर हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आराम से समझेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन, जो कि मैं इसको 3 स्टार लगा दूंगा, क्योंकि ये अगर आपको आ गया ना तो आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो देखो, हार्मोन्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं हम लोग। पहला टाइप है क्लासिफाई करने का, मैं लिखूंगा, पहला टाइप है पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स। देखो, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स। अब देखो, ये पहला टाइप है आपका हार्मोन्स को क्लासिफाई करने का। ठीक है, ये पहला सब क्लासिफिकेशन होगा कि हार्मोन आपका क्या है, प्रोटीन नेचर का है, मतलब पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, यही आगे चल के प्रोटीन बनाता है ना, तो अमाइनो एसिड से बनता है। ठीक है, तो देखो, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स। तो अब इसमें कौन से एग्जांपल्स आएंगे, आपको क्या पता होना चाहिए कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। ठीक है, तो इसके मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ आपके सामने। इसके एग्जांपल होंगे इंसुलिन होगा, ठीक है, इंसुलिन होगा, फिर इसके अंदर आएगा ग्लूकागॉन, और जितने भी आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी, और मैं हाइपोथैलेमस के भी हार्मोन्स लिख दूंगा हार्मोन्स। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन हमने क्या किया, पेप्टाइड हार्मोन्स पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन हार्मोन्स, इसके अंदर क्या है, इंसुलिन ग्लूकागॉन और सारे के सारे पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, अगला टाइप देखो, अगला सब क्लासिफिकेशन इसके अंदर होगा जो कि होगा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। अगला सब क्लासिफिकेशन होगा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये अगला सब क्लासिफिकेशन होगा, इसके अंदर जो एग्जांपल्स आएंगे वो होंगे आपके एड्रिनल मेडुला वाले हार्मोन्स। अब एड्रिनल मेडुला के अंदर कौन से हार्मोन्स थे, आपके पास था एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, जिसको आपने एड्रिनलिन को इपिनेफ्रिन कहा था और नॉन एड्रिनलिन को नॉर इपिनेफ्रिन कहा था। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स किसके आ गए, आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के। तीसरा जो इसके अंदर क्लासिफिकेशन होगा, समझो भाई, थर्ड विल बी योर आयोडोथायरोनिन्स। अब आयोडोथायरोनिन्स नाम से ही समझ रहा है, ये कौन से होंगे, इसके एग्जांपल होंगे आपके थायराइड हार्मोन्स। कौन से थे, देवेर T3 T4। ठीक है, T4 का और एक नाम थायरोक्सिन, T4 का और एक नाम क्या था, थायरोक्सिन। ठीक है, तो ये क्या है, थायराइड हार्मोन्स, यानी कि आयोडोथायरोनिन्स। और लास्ट इसके अंदर क्लासिफिकेशन आता है लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स। ठीक है, या फिर लिपिड सोल्यूबल से अच्छा मैं लिखूंगा स्टीरॉइड हार्मोन्स। तो स्टीरॉइड हार्मोन्स के एग्जांपल्स मैं लिखूंगा कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये हार्मोन्स के आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। आप इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से समझो, जो आपके पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स और इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, अमाइनो एसिड के अंदर कौन से होंगे, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स, आयोडोथायरोनिन्स नाम से समझ रहा है T3 और T4, और बचे कुछ जितने भी हार्मोन्स हैं उन सबको आप लोग स्टेरॉइड में डाल देना। ठीक है, स्टेरॉइड की याद मत करना, जो इसके अलावा होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, स्टेरॉइड में आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो पेप्टाइड में क्या क्या आ रहा है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में आ रहे हैं आपके ये एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स, आयोडोथायरोनिन, T3 T4, स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर बचे कुछ हार्मोन्स। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट यहाँ पर लिखो कि आपके जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो मैंने लिखे, फर्स्ट, सेकेंड, यानी कि आपके ये दोनों, आपके पेप्टाइड हार्मोन्स और आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, तो इनके जो भी आपके जो रिसेप्टर्स होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। इन हार्मोन्स के, अब हार्मोन्स के कोई ना कोई रिसेप्टर्स होंगे, तो इनके हैव मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ठीक है, और जो आपके स्टीरॉइड्स होंगे, यानी कि फोर्थ वालों के, ठीक है, जो आपके स्टीरॉइड्स होंगे फोर्थ वाले,
दे विल हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक है समझ गए। तो आपके ये जो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड ये सारे हॉर्मोन्स है और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जो है इनके क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। तो इनके क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। और जो आपके स्टीरॉयड वाले होंगे हॉर्मोन्स दे विल हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो कि जो आपके प्रोटीन हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोटीन हॉर्मोन्स ये होते हैं वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। और इनके मैंने अभी अभी क्या कहा था कि इनके क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। और जो आपके दूसरे होंगे हॉर्मोन्स यानी कि कौन से, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। तो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स कैसे होंगे, दे विल बी लिपिड सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल। अब ध्यान से सोचो, लिपिड सोल्यूबल है तभी तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर घुस पा रहे हैं ना, और उनके रिसेप्टर्स इसीलिए तो सेल के अंदर है क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल है, आसानी से मेम्ब्रेन को पार कर सकते। तो दे विल हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। देखो बिल्कुल कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। हमने हार्मोन्स को क्लासिफाई किया, पहले प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड पिट्यूटरी हार्मोन्स, इसके अंदर पिट्यूटरी हार्मोन्स थे, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स थे, इंसुलिन ग्लूकागन था। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हमने क्या देखा, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स, आयोडोथायरोनिन T3 T4, स्टीरॉयड में बचे कुछ जितने भी है वो स्टीरॉयड होंगे, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, पेप्टाइड और ये प्रोटीन वाले जो भी है इनके क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स वालों को भी क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। और ये जो स्टीरॉयड है इनके क्या होंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ये हमने नीचे लिखा है। और हमने लास्ट में क्या कहा कि जो आपके प्रोटीन हार्मोन्स थे दे विल बी वाटर सोल्यूबल और उनके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होंगे, स्टीरॉयड हार्मोन्स दे विल बी लिपिड सोल्यूबल और उनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे। तो हमें मैकेनिज्म जो पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है, आज का मुद्दा क्या था, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। आज का मुद्दा ये है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो पहले तो हमें मैकेनिज्म पढ़ना होगा प्रोटीन हार्मोन्स के लिए यानी कि जिनके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है, और दूसरा हम पढ़ेंगे स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए जिनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो ये पढ़ना है हमें, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन फॉर मेम्ब्रेन बाउंड, इससे अच्छा मैं यहाँ पर लिखूंगा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन फॉर प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन्स अच्छा लगेगा, प्रोटीन हार्मोन्स, ठीक है। अब प्रोटीन हार्मोन्स के लिए हमें पढ़ना है, अब ध्यान से सुनो। प्रोटीन हार्मोन्स, पहली चीज़ इसमें आपको क्या पता है, प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स है, ये क्या होंगे, दे विल बी वाटर सोल्यूबल, आपको ये पता है, वाटर सोल्यूबल आपको पता है, और दे विल हैव क्या, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स। और प्रोटीन हार्मोन्स के एग्जांपल्स आपको याद है, मैंने क्या कहा था, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक जो है वो इसके एग्जांपल्स है। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर जिसको मैं कंसीडर करूँगा, वो मैं कंसीडर करूँगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये मैंने एक रेफरेंस लिया है क्योंकि ये पिट्यूटरी से आ रहा है, ये प्रोटीन नेचर का है, तो इसका मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा। ध्यान से समझो होगा क्या, देखो दिस इज हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगी, बार बार हो गया अब ये, तो दिस विल बी हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। यहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, फिर इट विल रिलीज FSH एज वेल एज LH। तो अब ये FSH के लिए हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखो FSH का होगा क्या, पहली चीज़ FSH कैसा है, प्रोटीन हार्मोन है, तो इसका रिसेप्टर कैसा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड। तो मैं यहाँ पर एक ओवरियन सेल की एक मेम्ब्रेन बना देता हूँ, ठीक है। सिस्टम का यूज़ करेंगे हम लोग, अच्छी सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक ओवरी का मेम्ब्रेन बनाएंगे, देखो अच्छा बनाते हैं थोड़ा सा, है ना, अपने पास सिस्टम है, अच्छा डायग्राम बनाएंगे। देखो ये मान लो ये ओवरी का एक मेम्ब्रेन मैंने बना दिया, ठीक है, दिस इज ओवरियन मेम्ब्रेन। तो मैं लेबल करते चलता हूँ इसको साथ साथ, तो दिस इज योर ओवरियन मेम्ब्रेन, ठीक है, ओवरियन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक रिसेप्टर होगा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो मैंने यहाँ पर एक रिसेप्टर ड्रॉ कर लूँ, अच्छे पेन से करते ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक रिसेप्टर को ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। तो दिस इज योर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, देख रहे हो, क्योंकि FSH के लिए पढ़ रहे तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा। सो दिस इज योर रिसेप्टर, तो इसको भी लेबल कर दूंगा, दिस इज योर रिसेप्टर, दिस इज योर रिसेप्टर, ओके। अब होगा क्या, ये जो FSH है ये आएगा आपके रिसेप्टर के साथ, ये आएगा रिसेप्टर के साथ,
और फॉर्मुलेट करेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या बन जाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स HRC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन पर ही क्या बन जाएगा? HRC। तो HRC विल बी फॉर्म्ड एट मेम्ब्रेन। तो देखो अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। मान लो मैं FSH को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर मान लो कि FSH होगा, ठीक है। देखो मान लेते दिस इज योर FSH। एक सेकेंड रुको। ओके देखो मान लो कि आपका FSH है, देखो ये FSH है, मान लो FSH है, तो FSH इसके रिसेप्टर के साथ बाउंड हो गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? HR कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा, इस मेम्ब्रेन के नीचे होता है एक सेट ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड ए जी प्रोटीन, ठीक है। ध्यान से समझो, समझो भाई, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा। देखो यहाँ पर क्या होगा? जी प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो जी प्रोटीन ये होता है पूरा का पूरा जी प्रोटीन, ठीक है। सो दिस इज योर जी प्रोटीन, जी प्रोटीन, ठीक है। जी प्रोटीन इज कंपोज ऑफ अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट एंड डेल्टा सब यूनिट। तो ये पूरा का पूरा जी सब यूनिट होता है। इसमें से एक्टिवेट होता है आपका अल्फा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होता है एंड इट एक्टिवेट्स अदर एंजाइम विच इज कॉल्ड एज एडिनाइल साइक्लेस। एडिनाइल साइक्लेस को ये क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। अब अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हुआ, इसने क्या किया? आगे चल के एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। अब ये जो एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम होती है, इट कैटालाइजेस वन रिएक्शन। देखो ATP को कन्वर्ट कराती है ये रिएक्शन इनटू साइक्लिक AMP। समझो 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 समझो, कंफ्यूज मत हो। देखो ये जो आपका एडिनाइल साइक्लेस जो बना, ये क्या करती है? एक रिएक्शन को कैटालाइज करती है। वो रिएक्शन मैं यहाँ पर लिखूंगा कि आपका ATP इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक AMP या फिर IP3 या फिर Ca2+। तो ये जो रिएक्शन होगी इसको कैटालाइज करेगी आपका ये एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम। इट विल कैटालाइज, कैटालाइज। तो एडिनाइल साइक्लेस विल कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ATP इनटू साइक्लिक AMP या फिर IP3 या फिर कैल्शियम आयंस। और ये जो होते हैं ये दिस आर योर सेकेंडरी मैसेंजर्स, दिस आर योर सेकेंडरी मैसेंजर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इनको अच्छे से कि दिस आर योर बेसिकली सेकेंडरी मैसेंजर्स। ये सारे के सारे क्या है? दिस आर योर सेकेंडरी मैसेंजर्स। तो आपसे NCERT के एग्जाम्पल से पूरे पूरे आपको डायरेक्ट पूछेगा सेकेंडरी मैसेंजर्स के एग्जाम्पल बताओ। तो क्या क्या है? साइक्लिक AMP, IP3 और कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर्स है। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर्स आगे चल के क्या करेंगे पता है? दिस सेकेंडरी मैसेंजर्स ये क्या करेंगे? दे विल जनरेट बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जैसे ही जनरेट होगा क्या होगा? फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी कि क्या? ओवरियन ग्रोथ हो जाएगी, ओवरियन की ग्रोथ होगी। तो हमने कहा था FSH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरियन ग्रोथ। तो समझ गया कैसे ओवरियन ग्रोथ कर रहे? तो इस तरीके से ओवरियन ग्रोथ होती है। तो फिर से एक बार बताता हूँ आपको शॉर्ट में, ध्यान से समझो, अच्छे से समझो, ठीक है। हो रहा क्या है? प्रोटीन हार्मोन्स के हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोटीन हार्मोन्स आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमने FSH को कंसीडर किया। क्या होगा? हाइपोथैलेमस विल रिलीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच विल गो थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? FSH और LH को रिलीज करेगी। अब ये जो FSH है इट विल गो टूवर्ड्स ओवरी, ओवरी के अंदर ये इसकी मेम्ब्रेन होगी ओवरी की। तो इट विल अटैच टू रिसेप्टर विच विल बी प्रेजेंट एट ओवरियन मेम्ब्रेन। सो इट विल गो टू ओवरियन मेम्ब्रेन विच विल अटैच टू रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट एट द ओवरियन मेम्ब्रेन। और यहाँ पर बन जाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा इट विल एक्टिवेट जी प्रोटीन। जी प्रोटीन के अंदर भी स्पेसिफिकली अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट होगा। दिस अल्फा प्रोटीन विल उसके आगे अल्फा प्रोटीन क्या करेगा? विल एक्टिवेट वन एंजाइम विच इज एडिनाइल साइक्लेस। एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करेगा। एडिनाइल साइक्लेस इज वन एंजाइम विच कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ ATP विच इज कन्वर्टिंग इन टू साइक्लिक AMP, IP3 और कैल्शियम। आगे चल के ये आपके सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करेंगे और दिस विल गिव बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी कि ओवरियन की ग्रोथ हो जाएगी। तो दिस वॉज योर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। काफ़ी आसान है। पहले अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट करो, फिर एडिनाइल साइक्लेस एक्टिवेट करो, फिर ये किसको कैटालाइज करेगी? ATP का कन्वर्जन इनटू सेकेंडरी मैसेंजर्स। सेकेंडरी मैसेंजर्स विल फर्दर गिव बायोकेमिकल रिस्पॉन्स एंड फर्दर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये था आपका पहला मैकेनिज्म, ठीक है। अब अगली वाली बात करते हैं, ठीक है। अगली बात समझते हैं, चलो बहुत आसान है। अब आगे हमें किसके लिए पढ़ना है? अगला है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन फॉर किसके लिए पढ़ रहे हैं आप? स्टीरॉयड हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स। अब आपको पता क्या क्या है इसके अंदर? पहली चीज़ आपको ये पता होगी कि स्टीरॉयड हार्मोन्स बेसिकली ये क्या होते हैं? लिपिड सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल होते हैं।
तो लिपिड सोल्यूबल होंगे, इसके लिए इसके मेम्ब्रेन्स कहाँ पर, रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे, सो दे विल हैव इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के अंदर भी स्पेसिफिकली इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। देखो होगा क्या, समझो बात को। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन। अब ईस्ट्रोजन है तो वही करेंगे हम लोग, मेम्ब्रेन को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ईस्ट्रोजन आता कहाँ से आपके पास? दो चीज़ों से आता था, याद करो। एक तो आपका ओवरी भी ईस्ट्रोजन दे रहा था और आपका कॉर्पस ल्यूटियम भी आपका ईस्ट्रोजन दे रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम, याद है आपको? ओके, अब देखो ईस्ट्रोजन का मैकेनिज्म समझो। इसका रिसेप्टर कहाँ होगा? इंट्रा सेलुलर। तो मैं यहाँ पर पहले सेल मेम्ब्रेन बना दूंगा, तो देखो दिस विल बी योर सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। दिस विल बी योर न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। तो देखो अब ये सपोज आपका ईस्ट्रोजन है, तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा? ये डायरेक्टली अंदर घुस जाएगा क्योंकि इसका रिसेप्टर कहाँ पर है? इंट्रा सेलुलर। तो मैं इसका रिसेप्टर यहाँ पर बना देता हूँ। सपोज ये लो इसका रिसेप्टर है आपके ईस्ट्रोजन का, तो आपका ईस्ट्रोजन, दिस इज योर ईस्ट्रोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपका ईस्ट्रोजन डायरेक्टली कम्स इनटू द न्यूक्लियस, तो ईस्ट्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ईस्ट्रोजन आके अटैच हो जाएगा। सो दिस विल फॉर्मुलेट योर एचआर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो ये क्या होगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और कहाँ बनेगा? इनटू द न्यूक्लियस बनेगा। अब जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा तो होगा क्या, जो आपके जो डीएनएस प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर, कुछ ना कुछ डीएनएस प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर, सो दिस आर योर डीएनए। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे ही बन गया तब क्या होगा? दिस डीएनए विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होगा? डीएनए विल कन्वर्ट इनटू एमआरएनए। देखो डीएनए जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आगे चल के एमआरएनए। ये सब न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, सब न्यूक्लियस के अंदर होगा। ऐसा मत समझो कि साइटोप्लाज्म में जा रहा है, ठीक है। एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए आगे चल के क्या बनाएगा? ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन्स बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएंगे। प्रोटीन्स आगे चल के क्या देंगे? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देंगे। और ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आगे चल के क्या देंगे आपके? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देंगे। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब क्या है? यहाँ पर क्या होगा? टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। समझ गए बात को? तो ये होता है मैकेनिज्म पूरा का पूरा, समझ गए बात को? ओके, समझ गए, अच्छे से समझ गए। दोनों को एक बार देखो 2 मिनट के लिए। ओके, देखो आसान है कि नहीं? हाँ, तो ये हमने पहला देखा था फॉर प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स के लिए। अगला स्टीरॉयड नेचर के। हमने स्टीरॉयड के लिए क्या कहा कि लिपिड सोल्यूबल होंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे, न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर्स होंगे। हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया ईस्ट्रोजन, जैसे उसके अंदर FSH क्या था, इसके अंदर ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट होता है? ओवरी से और कॉर्पस ल्यूटियम से। ईस्ट्रोजन सबसे पहले क्या होगा? डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा, अंदर चला जाएगा। तो ये पूरे रिएक्शंस कहाँ पर होंगे? न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही होगा पूरा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होगा क्या? सबसे पहले क्या होगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके न्यूक्लियस के अंदर। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना तब क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि डीएनए विल कन्वर्ट इनटू एमआरएनए। एमआरएनए आगे चल के ट्रांसलेशन के द्वारा क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनेंगे। प्रोटीन्स जैसे ही बन जाएंगे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स विल बी टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन फॉर स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो हमने दो चीज़ें देख ली, एक तो फॉर प्रोटीन हार्मोन्स, फिर अगला स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इज कंप्लीटेड। अब आई गेस एक पॉइंट छूट रहा था, एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, उसको एक बार देख लेते हैं। वो पार्स इंटरमीडिया आपको याद है? पार्स इंटरमीडिया, इट वॉज रिलीजिंग वन हार्मोन दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद आ रहा है कुछ? ओके, तो उसका एक बार देख लेते, ठीक है। देखो ये मत कन्फ्यूज होना कहीं पे भी, ठीक है ना। देखो तो आपका क्या था? दिस वॉज योर पोस्टेरियर पिट्यूटरी, दिस वॉज योर एंटेरियर पिट्यूटरी, दिस वॉज योर हाइपोथैलेमस। हो क्या रहा था यहाँ पर? हमने कहा इस पार्ट को, यहाँ पर एक अवैस्कुलर पार्ट था जिसको हमने क्या नाम दिया था? दिस वॉज कॉल्ड एज पार्स, क्या नाम था इसका? पार्स इंटरमीडिया नाम था, ठीक है। तो पार्स इंटरमीडिया नाम था, ठीक है। हो क्या रहा था? हमने इस पार्ट को छोड़ दिया था, एक बार हम लोग उसी पर आके देखते एक बार। अच्छा खासा लेंदी चैप्टर है, लेकिन आसान चैप्टर है, ठीक है ना, पूरा का पूरा आसान चैप्टर है।
कहाँ पढ़ा था भाई हमने इसको? शायद यहाँ पर पढ़ा था। जी, देखो ये पार्स इंटरमीडिया, देखो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमने कहा था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसके बारे में हमने कुछ छोड़ दिया था, वही आज कंप्लीट करना है हमें, ठीक है? तो यहीं पर देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट में, अब आगे के पेजेस लेना मुश्किल है। देखो तो ये थी आपकी पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ये थी एंटेरियर पिट्यूटरी, और यहाँ पर हमने इसको क्या कहा था, पार्स डिस्टलिस, दिस वॉज योर पार्स नर्वोसा, दिस वॉज योर अवैस्कुलर पार्ट था यहाँ पर, जिसको हमने क्या कहा था, पार्स इंटरमीडिया। होगा क्या, पार्स इंटरमीडिया विल रिलीज वन हार्मोन दैट इज योर मेलानोसाइट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम लोग एम एस एच कह देंगे शॉर्ट में, एम एस एच। क्या होगा, दिस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग विल हार्मोन, इट विल गो टूवर्ड्स मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स के पास जाएगा, मेलानोसाइट्स आर प्रेजेंट इन योर स्किन, 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 और ये मेलानोसाइट्स विल रिलीज वन हार्मोन दैट इज योर मेलानिन, और इसका कलर होता है डार्क, ठीक है? तो ये होता है पूरा मैकेनिज्म, ये जो मेलानिन होता है ना, ये डार्क कलर आपको प्रोवाइड करता है। तो देखो जो डार्क लोग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एमएसएच ज़्यादा सीक्रेट होता है और मेलानिन ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, तो जिसके कारण वो डार्किश दिखते हैं, और कुछ बहुत ही गोरे हो जाते हैं तो वो क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर एमएसएच कम होता है, एमएसएच कम मतलब मेलानिन कम, यानी कि वो फेयर हो जाते हैं, ठीक है? तो ये पूरा कंसेप्ट था इसका, ठीक है? तो ये कंसेप्ट शायद हमने छोड़ दिया था, तो आई होप अब ये चैप्टर पूरी तरह से कवर है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या एक बार वो बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिकली पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बारे में, अगले लेक्चर में हमने पूरे हॉर्मोन्स पढ़ लिए थे पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड को कवर किया था, थायराइड के बाद हमने पैराथायराइड देखी थी, फिर हमने उसके बाद देखा था एड्रिनल ग्लैंड, देखा था एड्रिनल ग्लैंड के बाद हमने क्या कवर किया था, पिनियल ग्लैंड देखा था, पिनियल ग्लैंड के बाद हमने थायमस ग्लैंड देख लिया था, थायमस के बाद पैनक्रियास भी देख लिया था, फिर हमने टेस्टिस एंड ओवरी देखा था, टेस्टिस देख लिया था, ओवरी देखा था, ओवरी के बाद हमने पीआर के स्पेशल पॉइंट एक देखा था, ये तो बिल्कुल छोड़ो मत भाई, ये कभी मत भूलना, ठीक है ना? पीआर के स्पेशल पॉइंट देख लिया था, फिर हमने हार्मोन्स अदर हार्मोन्स देखे थे, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, हार्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी जीआईटी, फिर लास्ट में हमने क्या देखा था, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन देखा, जो कि आज ही देख लिया हमने, हार्मोन्स को पहले क्लासिफाई किया आज, ठीक है? ये बहुत अच्छे से करना पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन, फिर हमने दो तरीके के मैकेनिज्म देखे, पहले हमने प्रोटीन नेचर वाले हार्मोन्स जिनके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे, अगला हमने स्टीरॉयड नेचर के जिनके पास इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होंगे, प्रोटीन वाले का देखा, फिर लिपिड वालों का देखा, और दिस वे में हमने यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कवर अप कर दिया, ठीक है? तो मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस चैप्टर इज लिंक्ड विद टू चैप्टर्स, दो चैप्टर्स है, कौन सा है, एक्सक्रीशन और दूसरा होगा रिप्रोडक्शन। तो अगर आप ये दो चैप्टर मेरे से और पढ़ लोगे, ये दो चैप्टर्स, तो ये जो चैप्टर है, यानी कि ये तीनों चैप्टर का जो सेट बन जाएगा ना, दैट विल बी आपके बैक ऑफ हैंड हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत आसान हो जाएगा वो, ठीक है? तो ये दो चैप्टर्स पढ़ लो, और दिस इज एंड ऑफ आवर चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर। तो 7 लेक्चर हमें लगे इस चैप्टर को भी खत्म करने में, सो इट वॉज 7 लेक्चर, लॉन्ग जर्नी थी, लेकिन मज़ा आया ये चैप्टर में, ठीक है ना? 7 लेक्चर थे, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो अब देखते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है, मैं सोच रहा हूँ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स शुरू करने का, तो होपफुली हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट को अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।